guys and assalamu alaikum to you all beautiful people. My name is Abdul. So guys, this is the feed today I am going to feed them with. ये बहुत अच्छी फीड है, ऑप्टिमम नाम है, 3 in 1। ये कलर क्लीन के बहुत अच्छी है और साइज भी बहुत अच्छा करती है। मेरी पून शार्क है, एक नाजा शार्क है, बहुत पसंद करती है इसे, बहुत ज़्यादा खाती है। तो अब चले मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ फीडी। सो लेट्स गो। सो दिस इज द फीड, मैंने फीड इसमें डाली है। तो ये देखिए, ये सारी से बहुत पसंद करती हैं। ये मैंने ट्रेन किया हुआ इन्हें, आप भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे करना है ये फीड। जितनी पहले आप थोड़ी सी डालें, अगर देखते हैं खा गई हैं तो फिर और डालें। तो ये देखें, यहाँ से ये सारी मैं आपको बताया था, ग्रामी होगी, नाजा होगी, मेरी प्रून शाक, और सारियों को ये बहुत पसंद है। ये सारी बहुत शौक से खाती हैं, आप देख रहे हैं। ओस्कर को भी बहुत अच्छा लगता है ये, और ये और चिकन भी ये खाती हैं। सारी मछलियाँ मेरी प्रीडेटर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं, पैरेट फिशेज वगैरह। ये कॉकरोच तक मैं इन्हें डाल देता हूँ, कभी पकड़ के कहीं मुझे मिल जाए तो मैं डाल देता हूँ और खा जाती हैं। वॉर्म्स हो गए, श्रिम्प्स होगी, वो मैंने डाल देता हूँ और ये फ़ौरन खा जाती हैं। और ये छोटे छोटे चूहे, रैट्स वगैरह, ये माइस खा जाती हैं छोटे। ये आपने इन्हें जो भी चिकन वगैरह डालना है वो इनके मुँह के हिसाब से डालना है, जितना ये खा सकें। वो अगर आप बड़ा डालेंगे तो ये खाने की कोशिश करेंगे लेकिन खा नहीं पाएंगे, और वो टैंक में ही आपके रह जाएगा, तो फिर वो टैंक गंदा होगा, उससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं और फिर ये सारी बीमार हो सकती हैं। मेरे पास 2 पीकॉक थी जो इस वजह से मर गई हैं। और मैं अब आपको अगली वीडियो में मैं ये भी चिकन के भी साथ भी मैं दिखाऊँगा हेड फिटिंग, और लाइव फूड भी आप इन्हें डाल सकते हैं, लाइव वगैरह में डाल। तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, आपको सारी दिखाऊँगा ये कैसे अटैक करते हैं वगैरह, ऐसे की और बड़ी वीडियो बनाऊंगा। मुझे बस बताएं, मैं आपको हर एक चीज़ इनके बारे में बताऊंगा, उसके ऊपर लादा से वीडियो बनाऊंगा। और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अब मैं आपको बताऊं, और ये मेरी रेड टेल कैटफिश ये नहीं खाती, और आप ये अगर आप नहीं लाए हैं कैटफिश, मतलब अगर ये खाना नहीं खा रही है फीड वगैरह, तो मत खिलाएँ। ये छोटा गोश्त का पीस लेके चिकन का बोनलेस या कोई भी उसमें से हड्डी वगैरह निकाल दें या ना ही भी निकालें, कोई बात नहीं, वो स्टिक के आगे लगा के इसके मुंह के आगे खड़ेंगे, ये खा जाएगी तो फिर ये ज़िंदा रहेगी, वरना ज़्यादातर ऐसे कैटफिश ये मर जाती हैं जो अच्छा नहीं है। तो कई लोग इस बात से परेशान हैं क्यों ये ऐसे होता है, तो ये उसकी वजह कि खाली चिकन खाती हैं ज़्यादातर। अगर कोई खाती है तो उसे वो खिलाएँ, अच्छी बात है वो, और अगर कोई नहीं खाती तो उसे चिकन खिलाएँ, उसके मुँह के हिसाब से वो फिर खाएगी। तो चलें, जैसा कि हमने बिन का देख लिया, अंदा है ये काफ़ी सस्ती पड़ती है और अच्छी फीड है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम की है, 3 in 1 इसका नाम है। मैं सुबह इस कैन सी अब ये खा रही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और अगर आपको कोई और वीडियो नहीं मिस करना है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और सब्सक्राइब को करना भूलें ना, सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें। अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए, मैं अगर आप चाहते हैं मैं आपको बताऊँ, तो प्लीज़ वो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको कोई बात बुरी लगे या सही ना लगे मुझे बताएं, मैं वो भी ठीक करूँगा। बस कमेंट करो यार और सब्सक्राइब भी। तो सी यू लेटर, अब अगली वीडियो में मेरे मिलेंगे, बाय।